भारतीय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय के केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना हुआ है। रहस्यों से भरे इस केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कब और क्यों केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा और इस मंदिर के रहस्य के बारे में भी जानेंगे। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़। न सिर्फ तीन पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी, इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यह मंदिर कड़वा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। यह आश्चर्य है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर के बारे में एक कहानी यह भी है। यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। तब इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह बेहद प्राचीन है, जिसे 80 शताब्दी के लगभग माना जाता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन ही शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। मंदिर के पुरोहित सम्मान सहित मंदिर का पट बंद करके भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 महीने तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने के बाद जब भी यह पट खुलता है तब दीपक जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसे की वैसी साफ सफाई भी मिलती है जैसे कि छोड़कर गए थे। इससे जुड़ा एक सबसे बड़ा रहस्य यह है, 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गईं, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी का बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभाजित हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत भी हुई थी। चलिए जानते हैं कि 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा सा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चारोवारी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करना।